गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे और मैं भी यहाँ पे बढ़िया। और अब हमारी ये जो पैकिंग है बैग, ये बैग राइडिंग जैकेट बैग के ऊपर डाल रखी है, ये हमारा बैग पैक हो चुका है। ये एक राइडिंग जैकेट, ये दूसरी, ये राइनॉक्स वाली है मेरी। और ये हमने यहाँ पे जो रूम लिया था हरिद्वार में हरकी पौड़ी में, ये उसके अंदर का व्यू है। वो हमारे हेलमेट वगैरह रखे हैं और नी गार्ड वगैरह रखे हैं। ये एक एक्स्ट्रा बैग है, इसे हम इस बैग के ऊपर ही बांधते हैं। ये पाउच है भाई का, ये हमने कुरकुरे लिए, लहर गंगा किनारे लहर लिए हमने एक लहर हम घर भी ले जा रहे हैं यहाँ से। और अभी हमारी बाइक बाहर खड़ी है, अब हम सारा सामान बाइक पे बांधेंगे और निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो लगेज है वो बाइक पे बन चुका है, कुछ इस तरह। अभी हमारी बाइक खड़ी है गंगा जी के बिल्कुल घाट पे, और अब हम यहाँ से निकलेंगे घर की ओर। तो हमारी जो यात्रा होती है वो यहीं ख़त्म होती है, बाकी जो सफ़र है हमारा अभी बाकी है घर तक का। बाकी गंगा, ये जो तीर्थ स्थान खुले हैं चार धाम, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, ये जब चारों धाम खुले हैं ना, तो उससे हरिद्वार में भी काफ़ी रश बढ़ गया है, क्योंकि हरिद्वार से ही जो ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे बस हो गई, कैब्स हो गई, वो आपको यहीं से ही मिलेंगी। तो लोग यहाँ के स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे केदारनाथ बद्रीनाथ या ऋषिकेश या गंगोत्री यमुनोत्री के लिए निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम हरिद्वार से 20 से 25 किलोमीटर आगे आए हैं और हमारी बाइक ने एक बार फिर हमारे को धोखा दे दिया। ये खड़ी हमारी बाइक, टायर ने हमारे को फिर धोखा दे दिया। और इस बार हमारी स्पीड भी अच्छी खासी थी, 80-90 हम चल रहे थे रोड पे, हाईवे पे। और यहाँ से कूलेंट भी लीक करा है थोड़ा सा, कूलेंट भी लीक करा है। और ये चैन सॉकेट वगैरह हमारा खुला रखा है यहीं पे, भी टायर में अभी तक कुछ मिला नहीं है, अंदर से ही रिम के पास से कहीं से ट्यूब पंचर हुई है। और कहीं कहीं से तो
चुका है। ये छोटे छोटे तार दिख रहे होंगे आपको, ये टायर में से तार भी निकल चुके हैं। एक गियरा और कुछ छोटे छोटे यहाँ पे भी हैं। अभी तो घर चलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अलॉय व्हील लगवाने पड़ेंगे लगा के। वो सो फाइनली फ्रेंड्स, पंचर लग चुका है इमरजेंसी के लिए, तो एक्सेल वगैरह फिट हो चुका है, ब्रेक वगैरह की रिपोर्ट चल रही है, नई ट्यूब ही लगाई है हमने अभी इसमें। हाँ, फ्रेंड्स 20 किलोमीटर आगे आने के बाद हमारी बाइक एक बार फिर पंचर हो चुकी है, और भाई हमारा पंचर चेक कर रहे दोबारा आ जाएगी, और रिम की बेल्ट जो है वो दोबारा से टूट गई थी तो भाई ने चुपकाई है, और हमारी बाइक फिर से खुल गई। इस राइड का वापसी आते वक्त 300 किलोमीटर में तीसरा पंचर है ये। बाकी गर्मी भी बहुत है यहाँ पे, जितनी वहाँ ठंड थी उससे कहीं ज़्यादा यहाँ गर्मी लग रही है हमारे को। बाकी मिलते हैं फिर, अभी तक की यही अपडेट है। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है एक, और मेरठ से कुछ दूर पहले ही भगतजी स्वीट्स के नाम से एक बहुत ही फेमस शॉप है मिठाई वगैरह की, और वो पेट्रोल पंप के जस्ट सामने ही, सामने पेट्रोल पंप है और ये भगतजी स्वीट्स हैं, और कुछ ये बोर्ड है इनका। और अगर आप कभी हरिद्वार ऋषि के साथ हैं तो एक बार यहाँ की मिठाई ज़रूर टेस्ट करना, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे और काफ़ी फेमस है। अभी हम भी यहाँ से अभी कुछ पैक कराएंगे। और भाई क्या पैक कराने की सोचे फिर, क्या नाम है भैया इस मिठाई का, क्या नाम है इस मिठाई का, ये जो सबसे पहले रखी है मलाई चाप, तो ये जो इस मिठाई को कहते हैं मलाई चाप, हाँ तो ये पैक कराइए। और
यहाँ पर ये कुछ इस तरह की मिठाइयाँ मिल जाएगी आपको, और यहाँ बैठ के भी अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो टेस्ट भी कर सकते हैं। गिरा दूँ काले हैं अब गिरा दूँ अब क्या लेटा रहे हैं। भाई वाह तो आ गया था। हाँ भाई हेलो नाइस टू मीट यू।